आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं जया बच्चन और बहुत ही खूबसूरत स्टार किड आराध्या बच्चन को लेकर। जी हाँ, सभी को मालूम है कि आराध्या बच्चन एक स्टार किटी है। वो अभी तक सोशल मीडिया पर नहीं आई है, वो एक एक्ट्रेस नहीं बनी है, वो फिल्मों में नहीं आई, किसी चीज में नहीं आई, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि लोग उनके फैन पेज बना के उनकी चीजों को अपलोड करते हैं। वो उनकी स्कूल की कोई वीडियो हो या फिर एक नॉर्मल फोटो हो और हर कोई उन्हें पसंद करता है। लाखों की तादाद में उनको लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं और लोग इतना ज़्यादा उन्हें पसंद करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पर यह आ जाती है कि आखिरकार एक बार फिर सुर्खियों में क्यों आ चुकी है आराध्या बच्चन। तो चलिए आपको हम इस रिपोर्ट में कुछ ऐसी बात बताएंगे जिसको सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर जया बच्चन यानी कि उनकी दादी ने भावुक होकर कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसे राज खोल दिया आराध्या बच्चन को लेकर जिसको सुनकर आप लोग हैरान हो सकते हैं। तो इस रिपोर्ट में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। बता दें कि अमिताभ बच्चन की पोती और मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या बच्चन अभी कोई स्टार तो नहीं है, लेकिन उनकी दादी जया बच्चन ने अपने परिवार के बारे में एक हैरान कर देने वाले राज का खुलासा किया। आराध्या बच्चन भारत के कैसे सबसे चर्चित परिवार से ताल्लुक रखती है, जिसकी वजह से वह आए दिन मीडिया की सुर्खियां बटोरती रहती है। आराध्या बच्चन का जन्म 16 नवंबर 2011 को मुंबई में हुआ था और वह महज 10 साल की थी। हाल ही में वह अपना 10वां जन्मदिन मनाने के लिए अपने परिवार के साथ मालदीव गई थी। आराध्या बच्चन पूरे बच्चन परिवार की शुरू से ही लाडली रही है। वह अपने दादा दादी यानी अमिताभ बच्चन और जया बच्चन को खास करके सबसे ज़्यादा प्यार करती है। दादा दादी अपनी पोती आराध्या बच्चन पर अपनी जान छिड़कते हैं। हम सभी जानते हैं कि अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 में दिखाई दे रहे हैं और इस दौरान कंटेस्टेंट अक्सर अपने परिवार के बारे में बात करते हैं, जिस पर वह खुशी खुशी जवाब भी दिया करते हैं और कहा कि वे जो भी पूछते हैं वह अपनी पोती आराध्या के बारे में इस पर बात करते रहते हैं। अमिताभ बच्चन शो KBC 13 में अपनी पोती के प्रैंक और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। वही आराध्या अपनी दादी जया बच्चन की बहुत ही ज़्यादा प्रिय पोती भी है और वह आराध्या को लेकर हर एक चीज़ का खास ख्याल भी रखती है, प्रोटेक्टिव भी रहती है। आराध्या बच्चन के जन्म के बाद से ही हर कोई उनकी तुलना माँ ऐश्वर्या राय से करता है और आराध्या के अंदर उन्हें जूनियर ऐश्वर्या की झलक दिखाई देती है। सभी को उम्मीद है कि अपनी माँ की तरह ही खूबसूरती के मामले पर खरी उतरेगी। इस विषय को लेकर जब जया बच्चन से सवाल किया गया तो उन्होंने अपनी पोती आराध्या के नैनक्ष को लेकर एक राज की बात कही थी। जया बच्चन को जब भी मौका मिलता है वह अपनी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन की तारीफ करने में कभी पीछे नहीं हटती है। वह अपनी बहू ऐश्वर्या के बारे में कहती है कि ऐश्वर्या जितनी खूबसूरत है उतनी ही ज़मीन से जुड़ी हुई है। वह एक बहुत ही जिम्मेदार माँ है। वह अपनी बेटी के ज़्यादातर काम खुद ही करना पसंद करती है। वह आराध्या को नानी या नौकरानी पर कभी भी निर्भर नहीं छोड़ती है। वैसे जया बच्चन ऐश्वर्या को कभी कभी चिढ़ाती है कि आराध्या बहुत खुशकिस्मत है कि वह उसकी नर्स के रूप में उसे वर्ल्ड मिली है। जी हाँ, इसके आगे भी आपको बताते हुए चले तो बच्चन परिवार आमतौर पर अपने पारिवारिक रिश्तों और फैमिली से जुड़े किसी भी मुद्दे पर पब्लिक प्लेस पर राय रखना पसंद नहीं करता है। बच्चन परिवार का पूरी फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग रुतबा है। जया और अमिताभ दोनों ही अपने परिवार को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है। जय अपनी पोती आराध्या पर जान छिड़कती है। किसी भी दादी की तरह जया भी अपनी पोती को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव और केयरिंग है, तो वह ऐश्वर्या राय की सुंदरता और गुणों की तारीफ करना भी कभी नहीं भूलती है। पोती आराध्या के बारे पूछे गए एक सवाल में जया ने कहा था कि आराध्या अभी बहुत छोटी है और उतनी ही मासूम और प्यारी है जितने दूसरे बच्चे होते हैं। आराध्या को अपनी माँ और पिता दोनों के फीचर्स मिले हैं, जबकि ज़्यादातर लोग आराध्या में ऐश्वर्या की खूबसूरती देखने की कोशिश करते हैं। जया बच्चन ने यह भी कहा था कि आराध्या की हाइट अच्छी है, उन्हें अपनी माँ और पिता दोनों के लुक्स मिले हैं। उसके लुक्स को लगातार उसके पेरेंट्स के लुक्स से कंपेयर किया जा रहा है। उससे ऐश्वर्या की सुंदरता की बराबरी की उम्मीद भी की जाती है। इस दौरान जया बहू ऐश्वर्या राय बच्चन की तारीफ करना नहीं भूली। उन्होंने बताया कि ऐश्वर्या जितनी खूबसूरत है उतनी ही ज़मीन से जुड़ी हुई भी है। वो एक जिम्मेदार माँ है और बेटी के ज़्यादातर काम खुद ही करना पसंद करती है।
जया ने इस दौरान बताया कि वो कभी कभी ऐश्वर्या को चिढ़ाती भी है कि राध्या बहुत लकी है कि मिस वर्ल्ड उसकी नर्स है। उन्होंने कहा था कि ऐश नैनी या मेड किसी के भी भरोसे आराध्या को नहीं छोड़ती है। वही अमिताभ बच्चन ने अपने शो में भी इस तरह की बातें की थी, जिस तरह से हम आपको बता भी चुके हैं। बता दें कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं आराध्या बच्चन के बारे में बता दें तो, साथ ही साथ अमिताभ बच्चन की पोती और अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या बच्चन फिल्म इंडस्ट्री की पॉपुलर स्टार किड में से एक है। छोटी सी उम्र में ही लंबी चौड़ी फैन फॉलोइंग हो चुकी है। आराध्या की एक झलक के लिए उनके फैंस बेताब रहते हैं और हाल ही में कभी ना कभी उनका कोई ना कोई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता ही रहता है। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह शुद्ध हिंदी में कविता सुनाती हुई नजर आई थी। आराध्या का ये वीडियो उनके फैन पेज ने शेयर किया था। वीडियो में वह लाइट ब्लू कलर की स्कूल ड्रेस पहने दिख रही थी और बालों को दोनों साइड से पोनी किए हुए बहुत क्यूट नजर आई। वीडियो में आराध्या पहले कविता की लाइनें बोलती हैं, फिर बताती है कि किसी भी भाषा को आसानी से सीखना हो तो कविता द्वारा सीखो। इसके बाद वे अपने स्कूल के प्राइमरी के बच्चों द्वारा सुंदर कविताएं प्रस्तुत करने की जानकारी देती हुई नजर भी आती हैं। आराध्या का ये वीडियो इंटरनेट पर उस समय पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था और जमकर लाइक्स और कमेंट्स मिल रहे थे। एक यूज़र ने आराध्या को अपने दादा से कंपेयर करते हुए कहा कि बिग बी की तरह उसकी आवाज़ भी पावरफुल है। एक यूज़र ने उनकी तारीफ करते हुए कहा था कि परिवार के संस्कारों की बात कहीं और लिखा, तुम बहुत अच्छी हो बेटा, परिवार का संस्कार अच्छे से मिले हैं आपको। वहीं कुछ लोगों ने आराध्या को उनकी माँ ऐश्वर्या से तुलना करते हुए उनकी जैसी खूबसूरत और अकलमंद बताया। एक यूज़र ने लिखा, अपनी माँ की तरह वह भी ब्यूटी विद ब्रेन है। एक अन्य यूज़र लिखते हैं कि आराध्या की आवाज़ उनकी माँ जैसी है। बता दें कि आराध्या बच्चन का जन्म 16 नवंबर 2011 को हुआ था। वह धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती है और यह वीडियो उनके स्कूल के फंक्शन का ही है। लेकिन यहाँ तो हमने बात उनके स्कूल के फंक्शंस को लेकर भी कर ली है, लेकिन हमारी खबर जो आपको ये बताती है कि राज क्या था, तो वो राज यही था कि किस तरीके से जो आराध्या बच्चन है वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है और अपनी माँ की तरह ही हमेशा लगती है। तो जया बच्चन ने इसी बात का खुलासा किया है कि उनके ऊपर पूरी तरीके से जो फीचर्स आए हैं वो अभिषेक और ऐश्वर्या दोनों के आए हैं, लेकिन खूबसूरती तो और हाइट भी अगर देखी जाए तो ऐश्वर्या जैसी ही है। भले अभी 10 साल की है आराध्या बच्चन, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा मशहूर हो चुकी है। इसके साथ साथ लोग भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं। और वही इस रिपोर्ट में आपने जाना ही कि किस तरीके से यहाँ पर जया बच्चन ने कहा कि आराध्या बच्चन एक ऐसी बच्ची है जो अपने माँ और बाप दोनों पर जाती है और उनके नैन नक्श, उनकी हाइट और पूरे परफेक्शन ऐश्वर्या राय बच्चन की तरह लगते हैं और हर कोई उन्हें देखना चाहता है, उन्हें पसंद करता है और आने वाले टाइम में स्टार किड अपने पूरे संस्कारों के साथ एक परफेक्ट वुमेन बनकर सामने आएगी। तो आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों को सुनकर, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और बाकी खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।